फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग अपने ट्रेवल प्लान का एक ट्रिप जो है आपके साथ शेयर करते थे किया था। इस एपिसोड के अंदर हम लोग आपके साथ एक कंट्री के अंदर डेस्टिनेशन कैसे प्लान कर रहे हैं वो हम शेयर करेंगे, तो वो हम इस वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मॉर्निंग में मेलबोर्न से हम लोग 7:30 बजे निकले हैं 12 पोस्टल्स और ग्रेट ओशन रोड के टूर के ऊपर। ये टूर हमने क्लूक से बुक कराया था जिसकी कॉस्ट हमें 12,000 फॉर टू टिकट्स के करीब पड़ी थी, जिसमें हमें 5% डिस्काउंट मिला था क्योंकि क्लूक की हमारी फर्स्ट लॉगिंग थी। वेदर आज बहुत अच्छा है, ये फर्स्ट स्टॉपेज हमें रास्ते में मिला है और आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि 12 अपोस्टल्स एक आइकॉनिक पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ पर वॉशरूम्स हैं और साथ में देखिए बारबेक्यूज़ बने हुए हैं। यहाँ ड्राइवर ने बोला है, ड्राइवर का हम गाइड बोलेंगे, तो उसने बोला है कि भाई आप अपना बैटरी को प्रिजर्व करके रखो, क्यों नहीं तो बाद में सोना पड़ेगा। ये ग्रेट ओशन रोड मेमोरियल आर्क है। ये आर्च उन सोल्जर्स की याद में बनाया गया था जिन्होंने ग्रेट ओशन रोड बना के World War I से वापस आए थे। अभी हम चलते हैं नीचे बीच देखने के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत बीच है यहाँ पर। ये एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर बस रोकी गई थी और हमें गाइड ने कहा था कि आप यहाँ ढूंढिए क्वाला को ढूंढिए। क्वाला और कंगारू दो ऑस्ट्रेलिया के बड़े पॉपुलर एनिमल्स हैं, लेकिन हमें कोई कोयला यहाँ नहीं मिला, लेकिन बाकी कुछ और हमें बर्ड्स मिले। प्लीज़ रीड दिस कैप्शन विच से डू नॉट फीड दी वाइल्ड लाइफ। ग्रेट ओशन रोड इसे कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 12 पोस्टल्स की तरफ और लेफ्ट साइड में हमारे जो है पूरा समुंदर है। लंच में हमने वेजी बर्गर्स और सैलड सैंडविच और जूस लिया है। साथ में हमारी प्रेफरेंस रहती है कि जहाँ जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे बाहर, वहीं का लोकल खाना खाया जाए। ऑस्ट्रेलिया में लोग सैलड्स बहुत खाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सैलड सैंडविच ट्राई किया है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के 12 आइकॉनिक हॉस्टल्स की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता वहाँ लेके जा रहा है। ये हॉस्टल्स जो हैं, ये एक्चुअली आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये जो है लाइम स्टोन का बना हुआ स्टैक है ये, और इसके पीछे एक बड़ी नेचुरल हैपनिंग है जिसके कारण ये सब बने हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। पिक्चर्स में तो इसको देखा था, लेकिन सामने देखने में ये बहुत ही खूबसूरत हैं। ये कुछ टाइम के बाद जो हमें लेफ्ट साइड में एक छोटा सा और एक राइट साइड में सामने की तरफ छोटा सा नज़र आ रहा है, ये वैनिश हो जाए और इसके बदले में कुछ ऊँचे ऊँचे सो एक दो और बन जाए, जो कि हम और देखेंगे, क्योंकि ये सारा नेचुरल वे से हैपनिंग होती है पानी के बहाव को लेके। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत, मतलब इसके ऑस्ट्रेलिया आने का मतलब मकसद था कि ये तो ज़रूर देखना। अब जैसे ये है यहाँ पे, ये बीच में हो सकता है कट के ये भी एक बन जाए इसी तरीके से। जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है ये सा हेलीकॉप्टर का है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर टूर चलते हैं जो कि आप पूरा ऊपर से व्यू देते हैं। 20-1 मिनट का है टूर, जो कि आई थिंक अराउंड 12,000 या 13,000 रुपीज़ पर हेड है। जब हम 12 पोस्टल्स के लिए टूर बनाया था तो हमें लगा था कि बहुत अच्छा होने वाला है, ये कुछ अच्छी चीज़ देखेंगे। कुछ अच्छी चीज़ सोचने की बजाय ये हमें सोचना चाहिए था कि बहुत ही अच्छी चीज़ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आके हमें ऐसा लग रहा कि कुछ वंडरफुल, एक्चुअली ये वंडर ऑफ द नेचर। बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर की वॉइस बहुत तेज है, सामने हेलीपैड है और वहाँ से वो टेक ऑफ कर रहा है। वहाँ से अभी हम लोग कुछ दूरी पर बस में आए हैं और यहाँ पर भी सेम यही अपोस्टल्स हैं। एक्चुअली कहते 12 अपोस्टल्स हैं, लेकिन अभी इस समय शायद 8 ही रह गए हैं और मेरे ख्याल 5-6 हमने वहाँ देखे थे और 2 यहाँ पे होंगे। बहुत ही 360 डिग्री व्यू खूबसूरत है यहाँ का। थोड़ा फास्ट में चला के हम देख रहे हैं और अभी यहाँ पे देखिए आप कितनी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है कि पहाड़ों को चीरते हुए समुंदर बीच में से निकल के आ रहा है।
जो कि लाजवाब है, वाकई बहुत ही खूबसूरत है ये। और इसी तरह शायद अपोस्टल्स की फॉर्मेशन भी होती होगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जस्ट वंडरफुल, फैंटास्टिक, कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ से व्यू, मार्वेलस, आई थिंक इट्स अमेजिंग। सो दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ आइकॉन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ब्यूटिफुल। हम इस पाथवे को फॉलो कर रहे हैं एंड वी आर श्योर कि आगे भी हमें बहुत कुछ अच्छा दिखने वाला है। काफ़ी यहाँ पर ट्रैकिंग बनी हुई है और हमारा ड्राइवर जो था उसने हमें कहा था कि भाई यू हैव 1 hour 30 minutes एंड आई एम गोइंग फॉर 5 kilometers ट्रैक और एनीबडी हु वांट्स टू कम विद मी कैन कम और अदरवाइज यू कैन सी ऑल दिस। सो कौन छोड़ेगा ऐसे नज़ारे और उस ड्राइवर के साथ वॉक पे जाएगा, ट्रैकिंग के लिए जाएगा। देखिए बीच में होल में से जो है पानी निकल के आ रहा है बाहर एंड दिस इज़ दी व्हाट एक्चुअली शोज दैट हाउ अपोस्टल्स माइट हैव फॉर्म्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही। और ये देखिए रास्ते इतने साफ़ सुथरे खूबसूरत बनाए हुए हैं हर जगह पे। यही रीज़न है कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं आती है और देखिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सारा दूसरे डायरेक्शन से। हमें लगता था कि जो हमने पीछे देखा है उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता, सॉरी। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो और खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए क्या क्या बताएं, क्या नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, सब ऑल नेचुरल, कितना खूबसूरत बना हुआ है। लगता है यहाँ बैठ के आराम से बैठ के यहाँ देखा जाए। टाइम बहुत कम है हमारे पास, 1.5 घंटे में इतना कुछ देखना था, बट इट इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड फील्ड के लिए के बाहर से लोग आते थे और बहुत से शिप रैकेज होने कारण लोगों ने अपनी जान भी यहाँ गंवाई है। वापस जाते हुए लेफ्ट साइड में हमने नज़र दोहराई तो एक और यहाँ पर हमें देखने को अद्भुत नज़ारा दिखा है। इसे गिब्सन्स स्टेप्स कहते हैं जो कि हम लोगों ने बस में से रिकॉर्ड किया है। ये पूरे टूर का रूट मैप है और डिस्टेंस जो है मतलब मेलबोर्न से करीबन 275 kilometers है और रिटर्न डिस्टेंस कम है, वो बीच में से करीबन आई थिंक इट इज़ अराउंड 200 और लेस देन दैट। ये बीच में फार्म हाउसेज हैं बने हुए, बहुत अच्छे फार्म हाउसेज बने हैं जो कि ट्रीज से सराउंड किए हुए, लगता है ऐसे है कि बिल्कुल कोई फॉरेस्ट है। तो हमने इनको बीच में रिकॉर्ड किया है मेमोरी के लिए कि ताकि पता लगे कि काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर एक एक फार्म हाउस बना हुआ है, बहुत सी कैटल उन्होंने रखी हुई है। और अभी हम लोग रास्ते में एक जगह पे स्टॉपेज दिया कुछ देर के लिए फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो वहाँ से आगे फिर निकलते मेरे को लग रहा है कि हम लोगों को होटल पहुँचते हुए करीबन 7-7:30 बजे का टाइम हो जाएगा। इस समय हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम स्पेंसर स्ट्रीट पर अभी थोड़ा सैर कर रहे हैं घर से और रूम में सामान रख के बैग रख के आ गए हैं। मैं कहा चलो कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं, यहाँ पर कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं आज, तो इसलिए फिर अभी फूड हॉपिंग हो रही है। बहुत बिजी स्ट्रीट है ये। ये पास में ही कोल्ड स्टोर है तो वहाँ से हम लोगों ने अपने फेवरेट क्रोसॉन्स लिए हैं और साथ में कुछ वेजिटेबल्स और जैम वगैरह लिया ताकि हम स्टफिंग करके आज जब हम इसका करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिटीज़ कैसे चूज़ किए, डेस्टिनेशंस कैसे चूज़ किए। सो इसके लिए हम लोगों ने गूगल का ही सहारा लिया, वी टुक द हेल्प ऑफ गूगल। हम लोगों ने यहाँ पर गूगल में टॉप 10 सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया डाल और देखिए नीचे फ्रॉम सोर्सेज अक्रॉस दी वेब ये नीचे इंपॉर्टेंट सिटीज़ आ गए हैं। एक्सपेंड करी लिस्ट तो थोड़े और सिटीज़ आ गए तो सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, कैनबरा, ये सब गोल्ड कोस्ट, ये सब हर बंदे के दिमाग में रहते हैं, ये मेन मेजर सिटीज़ हैं। सिटीज़ के लिए क्या होता है कि हम लोगों ने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है तो ये तीन हम लोगों ने चार सिटी ये पहले शॉर्टलिस्ट किए कि सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन और कैनबरा को शॉर्टलिस्ट किया।
और उसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के मैप में जाके देखा कि ये कहाँ फॉल करते हैं, तो ये सारे साउथ और साउथ वेस्ट में फॉल करते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने जो है थोड़ा सा जब प्लान करने लगे, क्योंकि हम लोगों के पास दिन जितने थे उसी हिसाब से प्लान जब करने लगे, तो हमें लगा, और जब हमने वहाँ पे लोकल टूर्स देखे तो हमें लगा कैनबरा में कुछ इतना खास नहीं है, तो और लेकिन वहाँ पे एक सिटी है होबार्ट जो कि तस्मानिया में है, जो कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो जा रहे हैं कहीं किसी भी कंट्री में या कहीं भी घूमने के लिए, उसमें हम देखना क्या चाहते हैं, मतलब जैसे किसी को सीनिक ब्यूटी पसंद है, किसी को सिटीज़ में फूडिंग पसंद है, किसी को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पसंद है, या किसी को कोई वहाँ पर नई चीज़ें बनी होती हैं वो चीज़ें देखनी पसंद है, म्यूज़ियम वगैरह ये सब। और हमारी पसंद में जाते हैं तो हमें जो है वो सीनिक ब्यूटी और हिस्ट्री ज़्यादा हमें अच्छी लगती है, और हम प्रेफर करते हैं उन्हीं जगह जाने के लिए। अभी सिटीज चूज करने के लिए जैसे ये गूगल मैप हमने लिया है, तो इसके अंदर देखिए ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जो है मेलबोर्न आता है। अब मेलबोर्न से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से हम लोग गए होबार्ट में, और फिर होबार्ट से जो है हम लोग सिडनी आ गए, और सिडनी के बाद हम लोग गए ब्रिस्बेन। तो हम लोगों ने कैनबरा जो है वो छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि हमें फिर हम होबार्ट नहीं जा पाते, और होबार्ट इज हिस्टोरिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से फिर हम लोग ब्रिस्बेन से फिर हम लोग जो कि उसे हम लोग फिर हम सीधा वियतनाम को चले गए थे उसके आगे के टूर के लिए, और यहाँ से सीधा हम लोग जो है वो सीधा मेलबोर्न आए थे। इस तरीके से आप भी चूज़ कर सकते हैं कि एक ही ट्रैक के अंदर ये सारे हैं, तो अदरवाइज अगर बंदा एडिलेड में भी किसी को इंक्लूड करना है तो वो सीधा पहले एडिलेड आ जाए, उसके बाद मेलबोर्न होबार्ट ये सब इस तरीके से भी कर सकता है। लेकिन कोई बंदा अगर ये करे कि पहले सिडनी चले जाऊँ फिर ब्रिस्बेन चले जाऊँ फिर मैं मेलबोर्न आ जाऊँ, तो उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी आपका ट्रेवल टाइम भी बर्बाद होता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं। सो आई थिंक दिस थिंग्स यू शुड कंसिडर वाइल प्लानिंग। प्लानिंग इज़ वेरी इजी, थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने जितने भी टूर्स किए हैं खुद ही प्लान करके किए हैं, जिसमें कि मेजर ऑस्ट्रेलिया तो भी हो गया है, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, इवन मॉस्को भी गया हूँ, तो ये सारे मैंने खुद प्लान करके गया है, बहुत बढ़िया रहे हैं मेरे अपने प्लानिंग से, जो मैं चाहता था वही देखा है वहाँ पे मैंने। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसको कवर करेंगे कि आपको लोकल जैसे मेलबोर्न है तो मेलबोर्न के अंदर आपको देखना क्या क्या है। थैंक यू, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कीप वॉचिंग आर वीडियोज़, लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।